क्या कभी ऐसा देखा सुना गया है कि अस्पताल जहां पर बीमारियों का इलाज होता है वहां लापरवाही के चलते सांपों का बसेरा बन जाए और लोगों में मौत का खौफ बढ़ने लग जाए। कुछ यही हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर का है, जहां पर अभी कुछ समय पूर्व सर्पदंश से एक एम्बुलेंस चालक शिवम सिंह की मृत्यु हो गई थी। बावजूद इसके जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसका नतीजा ये है कि वहां पर पसरे झाड़ झंखाड़ के बीच आए दिन सांप निकलते रहते हैं, जो कभी किसी के आवास में घुस जाते हैं तो कभी खुली हवा में बिचरते देखे जाते हैं। शनिवार को भी एक सांप निकल आया। दिन का समय था, लिहाजा सांप को देखते ही लोग खौफ से भर गए। इस पर CHC अधीक्षक डॉक्टर आनंद मिश्रा ने एक बार वन अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई कर्मी पहुंचा नहीं। इस पर एक स्थानीय बंगाली से सांप को पकड़वाया गया। सांप बेहद खतरनाक प्रजाति का किंग कोबरा बताया जाता है। ऐसे में यदि जल्द ही CHC परिसर की भली प्रकार सफाई न की गई, तो कभी भी कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? इस सांप के बारे में बताइए, कितना जहरीला है और कैसा सांप है? तो इसका क्या करेंगे आप? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।